राम राम सा, स्वागत है आज अपने न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में अपन गा ब्याह बीटे में अपन के सावधान रखनी चाहिए और जर पढ़ने के लिए अपन खास तौरों के करना चाहिए और गा को जो बछड़ो है बिंग का भी अपन के सावधान रखनी चाहिए। भाई सारी है देखो लगातार जीत जल्दी आ बच्चों आ गयो वेलकम करे कौन की गोमातान बाद में तुरंत खड़ी कर देनी चाहिए। बैठी रहे कई बार उड़ा सा जो है कपड़ों ही रोज गुर नाक और मुँह है ना आंखियाँ बटों एकदम अच्छे तरीके में पहुँच देना चाहिए। क्या शुरुआत में बच्चों जीते एक बार दूध नहीं पिया अभी तो बहुत नसर उठा कौन पाओ रेत में हो जाए अभी चीज का अपन निगरानी रखनी है। खड़ खड़ करे मन लगे थोड़ा पानी चढ़ रहे हाँ टाइम तो लग गया ही कौन है सॉरी तावड़ो भी आ गया ब्यांती टाइम अपन बछड़े ने थोड़ा बहुत अगर खींचना पड़े तो वाड़ी की साइड में अपन खींचना चाहिए और बाद में भी नाक में जी फूंक लगानी चाहिए बारी बारी में लगावानी भी तरीका हूँ और ऊपर सिर के ऊपर है जी थोड़ी थपकी लगानी चाहिए वो भी थोड़ी यहाँ खल्ड खल्ड करे मन लगा कोई पानी चढ़ है तो सावधान रखनी चाहिए। और गाह जी तो चाटे नहीं बीते ज़्यादा अच्छा है और जी सुंडी वह बछड़े बछड़ी की बाहर नहीं चाटे बीच चीज की अपन नहीं गिर रखनी है। कई गाह जी पहल पौध ब्याह ध्यान में कौन नहीं वह बाद में तो गाह कौन चाटे आ लक्ष्मी माता अपने फरवरी में बच्चों दियो तो बी टी एम को व्लॉग अपनो है व्लॉग नंबर 45 और बाद में बछड़ी ले भी बछड़ी को नामकरण को अपन व्लॉग बनाए व्लॉग नंबर 47 है वो भी आप देख लिया अगर नहीं देखे तो और जिसका नया है जिसका खास तौर में देखिया। और आज के व्लॉग में तो आप जी कई क्लिप ही जी की बी टी एम व्लॉग में डाली को नहीं वहाँ अपन दूसरों व्लॉग बनाए बी टी एम डाल सें बे आज अपन डाल रहे हैं और कुछ कई सावधानियाँ जी की बता रहे हैं तो आप लोग ने देखो लगातार बछड़े ने जी मतलब गा चाट रही है बछड़ो भी आप पग ले रहे है तब आप कुछ चाट लिया अभी बाद में आप दूध पिला से देखो लगातार नोने पानी कमान एक डेढ़ चम्मच हल्दी मिला दी हल्दी को पाउडर मेरा घर तैयार कर रहा है और हल्दी वालों पानी है नूनियो पानी है और हल्दी में लाइडो पानी है जो आप गौ माता ने पिला दे पिला सियाँ रो पिलाणों के उसी गौ माता बैठ सी और बैठते ही जर है जी की पड़ जैसी। तो अब देखो गौ माता पानी पी रही है लगभग 18 लीटर पानी है ये बाल्टी में गुनगुना होना चाहिए और हल्दी में लाइडी होनी चाहिए गौ माता पी रही है और बछड़ी का जो नीचे अपन बोरी बिछा ध्यान बढ़िया रहे कि रेत में कम हुआ है मोर एक बाद में इन्हें आप हल्दी वाल पानी पी लिया अभी के बाद में आप इन दूध पिला से बछड़ी हो जाता ही एक बार भी आप इन दूध पिलाए को नहीं पहली बार आप इन दूध पिला से देखो लगातार लोग ने गौ माता की ममता देखो थी बछड़ी ने बोरी पर बिठाई पर बोरी थोड़ सी उठ साइड में बैठ गई पर यार बैठ गई नहीं तो गाय लगातार चाटती रहे अब इन उठा लिया वहाँ जो ही गाह की पहुँच मासी गा देखो चटन ला गई हाँ देखो पिछली साइड में तो बहुत चटड़ी कौन बिल्कुल ही गा गई चटड़ी है गाह बढ़ता ही नावड़ी कौन नहीं तो ना चाट लेती ना जीते नहीं चाटड़ी वह ना बीतते जब पैर हुआ जगह पूरा शरीर खुले को नहीं चाटने के बाद में एकदम पग ले बारी एक बार दूध पिला दे इसके बाद में पेल पोत बब्बो है जो बछड़ी थोड़ा दोरो ही लेवे इन्हें कभी आंटो लेनो कभी आंटो ले लियो के भी के बाद में घर में ही जश्न को समाहौल हो जावे नहीं लियो भी तो सब चिंता रहे अगर आंटो को लियो आंटो को लियो तो आपने तो अभी जी हाँ लगभग लेन वाली है आंटो ले ले सी मतलब वो पकड़ दूध पी ले सी पीने वाली है देखो लगातार आप जी हाँ पहल पौते मुंडा में जी आप अपना अंगूठो भी जी हाँ डाला नहीं देना थोड़ा थोड़ा यहाँ चूसना शुरू कर देवे बाद में सग धीरे धीरे कने आप दूध की धार देव सग बब्बो पकड़ा पकड़ देवे बाद में हाँ देखो थोड़ थोड़ लेर जावे बाकी यहाँ थोड़ा बहुत दूध पी लिया भूख तो इन लाग गई अब लगातार दूध पी ले अब देखो पीने लागी दूध
तो बिन पानी आपने वर्दी को पिलाएड़ो है और बछड़ी ने एक बार दूध ही वास्ते पिलाओगे, दूध नहीं पिलाओनी ना बारी बारी में उठा है बैठा है बाद में गा भी के लगातार बैठी कौन रहे। तो बिन दूध पिलाएड़ो उस चीज ने गा बछड़ी है जी उठे कौनी और अभी मतलब दूध की घेड़ा हुआ है कि पहले दूध हुआ जो किस काफ़ी गाढ़ो है और काफ़ी मात्रा में प्रोटीन विटामिन हुआ है। तो अभी के बाद में बछड़ी बैठी रही सी तो गा भी अब पानी पीएड़ वाल दियाड़ो तो गा भी बैठ जैसी और बैठने के बाद में जर गिर जैसी बछड़ी। देखो ये लगभग एक थन तो पी लियो, अब गा देखो बैठ गई और बछड़ी भी बैठी है और गा के जी जर है जी बाप की सगरी है। गा भी अंत ही आपने मोट हुआ साफ था तो वे भी अपन चबास कहाँ थोड़ी बाजरी भी चबास कहाँ अगर हुआ तो दुनिया में कोई एक चीज़ और साफ थी काकड़ वाली खड़ हुआ जी थोड़ी मात्रा में भी खिला देनी चाहिए। अब है जी जरा अपने पड़गी पूरी और बछड़ी ने लगभग दो तीन बार अपन पहले चुंगा चुकिया, अब है जो मैं कीस काट लेवा कि जर पड़ना पहले अपन कीस नहीं काटना चाहिए बछड़ी ने चुंगास कहाँ खाली, अब कीस काट लेवा गा वाड़िया जो थोड़ा हल्का हो जाए बछड़ी ने तो करने लिया है तो दापेड़िया चुंगे कौन करने खड़ी है गा छट्टे है। लक्ष्मी का दूध है जो एकदम गाढ़ो दूध है और मीठो दूध है और निकालना भी एकदम आसान है, कहीं जहाँ चिड्डो दूध बन भी को नहीं एकदम सोरो दूध है। पूरा झाड़ ना काटे एक बार आज को वीडियो थाने क्या लगे कमेंट कर बताया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।